तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के दूसरा फेज कर रहे हैं। हमने पहले फेज में बेसिक चीजों के बारे में जाना था, आज हम इसके दूसरे फेज जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। मैं कंप्यूटर स्क्रीन आपका दे रहा हूं, उसके बाद हमने एक एक्सेल फाइल ओपन कर ली, कोई भी एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूं मैं। चलिए अब सिंपल से हम बात करते हैं सबसे पहले आइकन्स। इस पे हमने आपको बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो कुछ चीजें हैं जो कि अंदर है, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट बिटवीन, ये चीजें कहां मिलेगी? ये मिलेगी आपको मोर रूल पे या फिर न्यू रूल्स पे आ जाएंगे तो आपको मिलेगी। देखिए आ गया। अप्लाई कैसे करना है? जैसे मान लीजिए मुझे अपने डेटा में क्या करना है, मुझे अपने डेटा में जो जनवरी है इसमें मुझे मान लीजिए 60 टू 80 के बीच में जो भी वैल्यू है उसको हाईलाइट छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट करना है। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम करना चाहते हैं कि 60 और 80 के बीच में जो भी वैल्यू है उसको छोड़ के बाकी पूरे को हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि बिटवीन तो है, अगर 60 टू 40 के बीच में हाईलाइट करना है तो ये बिटवीन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे नॉट बिटवीन में 60 टू 40 के अलावा सबको हाईलाइट करना है तो हमें मोर रूल्स में जाना होगा और यहां पे हम नॉट बिटवीन को सिलेक्ट करेंगे और यहां डालेंगे 60 टू 80। और इसके बीच में हम बात कर यहां पे सिलेक्ट करेंगे अपनी फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग है उस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें फिल बैकग्राउंड कलर करना है और भी येलो, दैट ओके। सर डी से किसने ज्वाइन किया है? सर मैंने ज्वाइन किया है, जस्ट वांट टू नो इज दिस क्लास फॉर वीबी और फॉर एडवांस एक्सेल? नहीं, ये एडवांस एक्सेल की है, वीबी इसके बाद 8 बजे स्टार्ट होगी। ओके सर, आई एम इंटरेस्टेड इन वीबीए सर, थैंक यू, देन आई विल ज्वाइन। रवि जी बात कर रहे हैं ना? हां जी हां जी। ओके ओके, मैंने लिखा था 7 PM टुडे फॉर एडवांस एक्सेल। अच्छा, आप मैसेज आपके साथ नहीं पढ़ा था। नो प्रॉब्लम, आई विल ज्वाइन यू लेटर इन दैट नेक्स्ट क्लास। 8 PM ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू सर। सेम लॉगिन आईडी होगी, वही एक्टिवेट कर दूंगा मैं। ओके, तो यहां पे 60 टू 80 हमने किया और ओके कर देता हूं। तो इसके अलावा जो है देखिए सारे हाईलाइट हो गए। ओके, तो यहां आपके न्यू रूल्स में इसी तरह के और भी फीचर्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीजों को आप सेलेक्ट कीजिए, कंडीशन दीजिए, फॉर्मेट से फॉर्मेटिंग कीजिए, सिंपल है। अगर इसको ब्रेक कर दे टेक्स्ट में, हमने आपको बाहर पढ़ाया था टेक्स्ट दैट कंटेनिंग। अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे क्या है, दो नाम दिए हुए हैं, मेरा ये नाम मान लीजिए एक है सुजीत कुमार और दूसरा है यहाँ है हमारे पास सिंह जी। अब मुझे आपने अगर कंटेन किया यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन, तो टेक्स्ट एंड कंटेन में आपने अगर सुजीत को सिलेक्ट कर लिया तो सुजीत चाहे वो सुजीत कुमार हो चाहे सुजीत सिंह हो हाईलाइट हो जाएगा। सुजीत कुमार या सिंह सुजीत हो दोनों हाईलाइट हो जाएगा। बट मैं चाहता कि मुझे उसको हाईलाइट करना है जो सुजीत से स्टार्ट है, सुजीत के बाद चाहे कुमार हो चाहे सिंह हो चाहे कुमार सिंह हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्टिंग वर्ड सुजीत होना चाहिए। तो उस केस में हमें न्यू रूल्स या मोर रूल्स पे जाना होगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, डेट ऑफरिंग में यहां पे देखिए कंटेनिंग है नॉट कंटेनिंग, बिगेन विद, बिगेन विद में हमने यहां पे सुजीत दे दिया
और फिर यहां से हमने अपना कलर जो भी चाहिए वो चूज कर लिया एंड ओके कर लिया। तो देखिए सुजीत हाईलाइट हुआ, कुमार सुजीत हाईलाइट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप जो है न्यू रूल्स या मोर रूल्स में आप टेक्स्ट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में क्या क्या है, कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिन विद और एंड विद। समझाने की जरूरत तो नहीं है सर, समझ में आ गया होगा। न्यू रूल एंड मैनेज रूल दोनों सेम ही है सर, मोर रूल्स। हाँ दोनों सेम ही है। और क्या पड़ता है, जैसे आपने अगर मोर रूल्स पे क्लिक किया तो सीधे आपको फॉर्मेट ओनली सेल कंटेन पे डाल देता है, ठीक है। अगर आपने न्यू रूल्स किया तो ये आपको फॉर्मेट और शुरू में स्टार्टिंग में डाल देता है, बस यही फर्क पड़ता है। उसके अलावा हमने आपको कल आइकन्स के बारे में भी बताया था, तो चलो आइकन्स के ऊपर भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। तो वो आइकन से मॉडिफिकेशन करने से पहले अगर मान लीजिए कोई आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है या कितना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग रखा है, इस चीज को पता करने के लिए आपको मैनेज रूल में जाना होगा। मैनेज रूल में यहाँ पे जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो इसमें देखिए करेंट सिलेक्शन मतलब कि जहां पे कर्सर है या आपका सिलेक्टेड सेल है वो यहाँ विजुअल है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दे दिया दिस वर्कशीट, दिस वर्कशीट में इस फाइल इस सीट में कितने लगे हैं वो आपको यहाँ दिख रहा है। इसमें अगर किसी तरह की चेंजिंग करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, यू कैन चेंज। तो इस चीज क्यों बताया, क्योंकि इसी का इस्तेमाल हम अभी थोड़े देर में करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्कोर ले लिया, मान लीजिए कि किसी कंपनी के स्कोर है। अब मुझे इस पे पास फेल का सिम्टम देना है, तो रूल कहता है कि यहाँ पे कि ग्रेटर देन 60 है तो पास होगा, यहाँ पे 40-60 के बीच में है तो आपको यहाँ रीटेस्ट देना पड़ेगा, और फेल कब है, जब आप लेस देन 40 है। अब ये चीजें यहाँ पे इफ फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकता हूं, बट मैं इफ फॉर्मूला से नहीं, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से दिखाना चाहता हूं। तो कैसे दिखाऊं, मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, आइकन सेट में गया। तो आइकन सेट में मैं देख रहा हूं कि एक आइकन एक इस तरह का है, मतलब कि जो टिक मार्क लगा हुआ है इट मीन्स पास, एक्सप्रेशन मार्क लगा हुआ है वो हो जाएगा रीटेस्ट, एंड क्रॉस जो है वो फेल। समझ गया, तो मैं इसको अप्लाई करता हूं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो अप्लाई हुआ है इसको हमारे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखिए 39 पे एक्सेप्शन मार्क दे रहा है, गलत है। तो जाहिर सी बात है हम इसमें अभी तक अपना कंडीशन डाले ही नहीं है। कैसे डालेंगे, मैनेज रूल, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए परसेंट है, परसेंट मतलब कि इसने परसेंटेज कैलकुलेट किया है, तो हम इसको नंबर में डाल देते हैं। नंबर में हमने इसको यहाँ पे डाल दिया 60। अब यहाँ पे देखिए मेरा कहता है ग्रेटर देन 60, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो इसको चेंज करके हम ग्रेटर देन कर लेते हैं। अगेन 40, तो यहाँ पे देखिए सेम 40-60 है, तो यहाँ पे आपका सही होना चाहिए, और 40 से नीचे आपका क्रॉस आएगा, एंड ओके एंड अप्लाई देन ओके। अब यहां मैं 3-2-1 इस तरह से नंबर डाल दीजिए, और इसके ऊपर आप जो है आइकन इस्तेमाल कर दीजिए ताकि पता चलेगा कि किस कौन सा असेंबल किसका है। अब इसे 3-2-1 है तो कुछ लोग पूछ सकते हैं 3-2-1 क्या है, तो आप यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाइए, यहीं पे आपको दिखेगा शो आइकन ओनली, सिर्फ आइकन शो करना है आपको, इसको सिलेक्ट किया एंड ओके कर लिया मैंने अप्लाई। अब शो आइकन ओनली का यूज हम लोग इस चीज के लिए और करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या करिए, मान लीजिए कि आइकन हम अप्लाई कर लेते हैं, इस आइकन को ही बात कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमें कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे आइकन इस तरफ नहीं, मुझे आइकन इस तरफ चाहिए, तो मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, हम इक्वल करके इसको लिंक कर देते हैं, इसके ऊपर फिर आइकन इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके मैनेज रूल में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं,
और इसकी शो आइकन ओनली कर देते हैं एंड अप्लाई, फिगर हट जाता है, फिर इसको छोटा कर देते हैं, वही ठीक है सर, समझ में आया नहीं सर? डिग्री वाला हुआ, हाँ डिग्री वाला पार्ट जो है, जो डिग्री बताया था वही डिग्री वाला पार्ट है, ये तो आपकी आइकन पे हो गए, तो आइकन पे आप अपने हिसाब से बहुत जो भी आपको अगर करना है कर लीजिएगा, जैसे आइकन पे हमने अपना दिया है उसी तरह से आप अपनी कलर स्केल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको मैनेज रूल में चला गया, डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें जैसे कलर जो है ऑटोमेटिक है मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर पे, भाई 30 और यहाँ पे आपने बोल दिया नंबर हाईएस्ट, मैक्सिमम में आपने बोल दिया 70, तो 30 पे क्या आना चाहिए कलर, हमने बोला रेड और इस पे आना चाहिए हमारा ग्रीन, देन ओके देन अप्लाई। ठीक है, ये बॉर्ड मत कीजिए, ये ऐसा नहीं है बॉर्डर है सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ग्रीन फिल है, सॉलिड फिल कर दूंगा, एक कलर ऐसा इसमें कुछ नहीं होता, एक क्वार्टर बॉर्डर था सर, साइड से बॉर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट फिल भी है, तो अगर आप राइट टू लेफ्ट कर दिया एंड अप्लाई, मैं यहाँ पे लेफ्ट टू लेफ्ट राइट का राइट टू लेफ्ट कर देता हूँ, हाँ तो अब इस साइड से हो जाएगा, इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं आप, इसमें देखिएगा कुछ और चीजें ही मिल जाए। अब जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है हमारा फॉर्मूला, नहीं फॉर्मूला नहीं, इसमें और भी चीजें थी, जैसे कि टेक्स्ट के बाद हमारा ब्लैंक था, हम ब्लैंक को हाईलाइट कर सकते हैं, नो ब्लैंक एरर, एक एरर का जो है जो कि मैं एग्जाम्पल देना भूल गया, जैसे कि आपके पास यहाँ पे डेटा है, बहुत सारे डेटा है मान लीजिए, और उस डेटा में होता है ना कभी फॉर्मूला आप लगाते हैं तो एरर आता है, क्या फॉर्मूला आप लगाते हैं तो एरर आता है, तो अब कहीं पे रिजल्ट है और कहीं पे एरर है, तो मैं चाहता हूं जहां पे हमारा रिजल्ट आ रहा है, नंबर आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, वो वैल्यू शो हो, बाकी इनविजिबल हो, हालांकि इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, इस एरर का यूज कर सकते हैं, बट मैं फॉर्मूला से नहीं करना चाहता, तो कंडीशन होना चाहिए कि न्यू रूल्स में जाइए, यहां पे आइए एरर, और हमने क्या किया सिंपल सा, हमने इसकी फॉन्ट कलर को व्हाइट कर दिया, क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट है, अगर फॉन्ट भी व्हाइट हो जाएगा तो व्हाइट पे व्हाइट विजिबल नहीं होगा ना सर, नहीं है विजिबल, ठीक है ठीक है, क्लियर है? Yes. अब चलिए हम बात करते हैं फॉर्मूले के तरफ, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ रूल। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कस्टम कंडीशन लगाना चाहता हूँ, अभी तक हमने कंडीशन वहां लगाया जहां पे हमारा फिगर था, अब हम कंडीशन कहीं और लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा नेम हाईलाइट हो जाए कब, जो इन सबों का टोटल का 10% अगर वो 20 से ज्यादा है, समझे, तो कैलकुलेशन भी करनी है हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां अधिक एक ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक जो भी कंडीशन समिटिंग अप्लाई किए पूरा का पूरा रेंज को सिलेक्ट किया ना, अब मैंने क्या किया सिर्फ सिंगल सेल को सिलेक्ट किया, क्यों कि जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिंगल सेल को सिलेक्ट करें, इसका ध्यान रखिएगा सर, यूज फॉर्मूला, हमने यहां पे इक्वल दिया सम, सम में ब्रैकेट ओपन और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका 10% इज ग्रेटर देन 20,
बट ध्यान रखिएगा इसमें का जो रो नंबर का जो डॉलर है वो डॉलर साइन हटा दीजिएगा, वरना एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगी। कॉलम का डॉलर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उसके बाद मैंने इसको कलर कर दिया एंड ओके okay. एक सेल कलर हुआ, फिर फॉर्मेट पे एंटर दीजिए और पूरे डेटा को पेंट कर दीजिए। रो पूरा करना चाहता है तो पूरा रो तो देखिए। अब जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, देखिए जहाँ 10% से कम हो रहा है वहाँ आपका ए हाईलाइट हट जा रहा है। समझिए, इसमें और भी देना चाहूँ मैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे अकाउंट नंबर, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन इसमें टैक्स एंट्री करे तो मुझे पता चल जाए। अब टैक्स एंट्री हो रहा है कैसे पता चलेगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज टैक्स का, इज टैक्स उसको सेलेक्ट करें, अगर टैक्स लिखा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्ट। तो सेम इज इस टैक्स फॉर्मूले को क्या करूंगा मैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में जाऊंगा बट सिंगल सेल सेलेक्ट करूंगा, इक्वल इज टैक्स को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसका रोल नंबर मैं डिलीट कर देता हूं। और फिर फॉर्मेट में आया, अपनी रेड फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना है अप्लाई किया, देन ओके और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब जैसे इसमें टेक्स्ट लिखोगे हाईलाइट हो जाएगा, नंबर लिखेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा। ओके, सेम उसी तरह से हमारा जो मोबाइल नंबर ये है अकाउंट मोबाइल नंबर था या अकाउंट नंबर ही मैं करना चाहूंगा रिपीटेड, तो अगर किसी ने डुप्लीकेट हाई किया तो क्या हो जाए, कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर आप लगाते हैं हाईलाइट डुप्लीकेट उसमें दोनों हाईलाइट होता है। अगर 3 times है या 4 times है तो जितने भी होंगे सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो। बट मैं चाहता हूं कि पहला वाला हाईलाइट ना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है काउंट इसका, काउंट इसका फॉर्मूला लगाया हमने इसी पे, इसी को लुकअप किया तो क्या हुआ फोर आ गया। तो जहां जहां 1 है सब जगह 4 है, मुझे इस तरह के काउंट चाहिए कि यहाँ पे 1 काउंट दिखे, यहाँ पे 2 काउंट दिखे, यहाँ पे 3 काउंट दिखे और यहाँ पे 4 काउंट दिखे, कैसे होगा। तो इसके लिए हम काउंट इफ का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे लेकिन थोड़ा सा ट्रिक्स के साथ। इस तरह का ट्रिक्स हमने E2 से E2 कॉमा E2 लगाया, देखिए सिंपल सा है, सब एक जैसा होना चाहिए। फिर पहले वाले जो E2 है उसको फ्रीज कर दीजिए। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि पहला 2, तीसरा 1, चौथा 1, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस तरह से होगा। तो कंसेप्ट क्या है कि जहां फॉर्मूला लगा रहे हैं सिर्फ उससे ऊपर की ही मैं रेफरेंस को ले रहा हूं, नीचे का रेफरेंस ले ही रहा हूं। तो जैसे जैसे उसको मिलेंगे उस तरह से नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब इसी फॉर्मूले को मुझे लगाना है किसमें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यूज फॉर्मूला और हमने यहां पे इक्वल और यहां पे दिया कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, और उसके बाद अपनी कंडीशन को अप्लाई किया एंड ओके। अब मैं फॉर्मेट पेंटर से नीचे की तरफ पेंट कर देता हूं। अब कोई भी नंबर से मैंने 2 डाला हाईलाइट नहीं होगा, और जैसे नीचे कहीं 2 डालूंगा तो वो 2 हमारा हाईलाइट हो जाएगा। समझ में आया सर आपको, किसी को डाउट सर एक बार फिर से बताइएगा। सिंपल सा, आपको आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं समझना है, समझना है आपको काउंटिंग का फॉर्मूला। अकाउंटिंग के फॉर्मूले में कोई दिक्कत है आपको, सर काउंटिंग फॉर्मूले में हमने क्या किया, हमने E2 से E2 कॉमा E2 कर दिया और नीचे ड्रैग कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया E2 से E3 दिख रहा है सर, E4 E5, तो जहां पे फॉर्मूला लग रहा है ए अपने ऊपर में काउंट कर रहा है कि सामने वाली वैल्यू से, इसने काउंट किया E2 से लेके E8 में E8 की वैल्यू को, इसको 2 बार मिला।
दो बार मिला ना, इसे टू दे दिया। और यहाँ पे इसने काउंट किससे काउंट किया था, E2 से लेके E3, इसको एक ही बार मिला तो एक दिया। ऐसे यहाँ पे इसको अब सेम फॉर्मूला को हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज किया और हमने बोला कि काउंट इसका रिजल्ट, काउंट इसका रिजल्ट ग्रेटर देन वन होना चाहिए। और हमने इसको सिंगल सेल पे लगाया और जब मैंने इसकी फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे पेंट किया, पेस्ट एज ए फॉर्मेटिंग किया, तो फॉर्मेट के अंदर के जो फॉर्मूला है, तो जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट करने पर फॉर्मूला हमारा इंक्रीज होता है, वैसे तो इसके अंदर भी इंक्रीज हो गया। अब ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल कंडीशन इंक्लूड करने की। जैसे कि मैं मोबाइल नंबर यहाँ ऐड किया, मोबाइल नंबर में हमने यहाँ पे डाला, मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर मोर देन नॉट इक्वल कि 10 डिजिट से ज्यादा या कम हो तो हाईलाइट हो जाए, पता चल जाए कि गलत मोबाइल नंबर लिखा गया है। तो 10 डिजिट है, ये पता कैसे चलता है? इसके लिए हमारे पास होता है लेन का फॉर्मूला। लेन बताता है कि कितने डिजिट है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला में हमने यहाँ इक्वल लेन का फॉर्मूला लगाया और इस लेन के फॉर्मूले में हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला नॉट इक्वल टू 10 और फिर रो नंबर को हटा दिया, रो नंबर के डॉलर को हटा दिया, रो नंबर नहीं हटाया। फिर फॉर्मेट प्रिंटर में आया और अपनी जो पेंट जो भी कलर चाहिए कलर डाल दी फॉर्मेट में एंड ओके। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर से पेंट कर रहा हूँ तो ब्लैंक भी हाईलाइट हो रहा है। अब ब्लैंक क्यों हाईलाइट हो रहा है? क्योंकि जब हमने लेन का फॉर्मूला लगाया तो ब्लैंक से जीरो आया, तो हमने अंदर क्या दे रखा है, हमने अंदर दे रखा है नॉट इक्वल टू 10 और जीरो भी तो नॉट इक्वल टू 10 होता है ना सर, मोर देन। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन देना है कि लेन की रिजल्ट नॉट इक्वल टू 10 और एंड ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एंड फॉर्मूला लगाएंगे, जब मल्टीपल कंडीशन होगा तो एंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे एंड। अब बाकी सब चीज सेम होता है, रेंज के टू इज ग्रेटर देन जीरो। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे, जी हाँ एंड फॉर्मूला जब रिक्वायर है तो, लेकिन ऑप्शनल पे एंड नहीं लगता है सर। ऑप्शनल इन द सेंस कि जैसे मैं यहाँ पे डेट डाल रहा हूं, नेम हो, एक अटेंडेंस शीट बना रहा हूं मान लीजिए ना सर, तो हमने यहाँ पे डेट दे दी है, फिर हमने ऊपर टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया और कस्टम फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट लेते हुए तीन बार डीडी दे दिया तो सैटरडे संडे हो गया। अब मुझे जहां जहां सैटरडे एंड संडे है उसकी पूरी रो हाईलाइट करनी है, तो उसके लिए यहां हम न्यू रूल्स पे यूज फॉर्मूला पे आएंगे और यहां हम और का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सेल में इसमें सैटरडे हो सकता है या फिर संडे हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता ना सर। सैटरडे और फिर कॉमा हमने इसको लिया इक्वल टू संडे और इसमें हमने इस बार जो है बी फोर का नहीं बी का रो कॉलम हटाया, क्योंकि रो हमारा फिक्स है बट कॉलम चेंज होगा। फिर फॉर्मेट प्रिंटर में आया, हमने कलर लिया एंड ओके कर दिया, फिर फॉर्मेट प्रिंटर से पूरे एरिया में पेंट कर दिया। इससे फायदा हुआ कि मान लीजिए कल के डेट में मैं नवंबर सितंबर का डेट डाल रहा हूं, सितंबर का अकॉर्डिंग चेंज हो गया सर, नहीं इसे प्लस वन करना पड़ेगा हमें। ओके तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी एग्जांपल हो सकती है, बट क्या है कि अभी तक हमने फॉर्मूले को नहीं पढ़ा है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक क्लास को होल्ड करेंगे कब तक के लिए, जब तक कि हम फॉर्मूला न सीख जाए। फिलहाल मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सारे चीजों को मैं एक्सप्लेन आपको कर दिया है, बट आप अपनी प्रैक्टिस अपने एंड से कर लें, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं।
ओके राइट। अगली क्लास में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन के बारे में कि हाउ कैन प्रोटेक्ट योर शीप। तो मिलते हैं कल। नॉर्मल डाउट पूछना था। आप पूछिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, ठीक है? ठीक है। तो उसका कहते हैं ये पाइवट टेबल निकाल के, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास पर्टिकुलर चार तरह का क्लेम नेम है, उसका मैं परसेंटेज निकाल के कहते हैं हर महीने के एंड में वो डेटा मेरे को कहते हैं मैनेजर को भेजना पड़ता है, ठीक है? तो मैं क्या सोच रहा था कि अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर डेटा है तो उसको मैक्रो कर सकते हैं कि जो वो पाइवट टेबल और वो परसेंटेज वाला डिटेल्स मतलब वो सिर्फ वो जैसे माइक्रो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ओके सर, तो आप एक चाहते ना कि ऑटोमेटिकली आपका आप रन करें तो ऑटोमेटिकली आपका रिपोर्ट बना के पिवट टेबल के थ्रू परसेंटेज कैलकुलेट करके और जिसको मेल करना हो मेल कर दे, बस एक बटन क्लिक करते हुए। जी 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 रिकॉर्डिंग आपका इससे होगा सर, क्या बोलते हैं वीबीए प्रोग्रामिंग से होगा। तो हमारी एक दो पर की बैच है जो कि वीबीए प्रोग्रामिंग चल रही है, इस पे आने वाली है जी। तो मैं उस पर कवर कर दूंगा, ठीक है? अगर मतलब नॉर्मल जैसे नॉर्मल एक मैक्रो ये करते तो उससे नहीं होगा क्या? नहीं सर, कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, पिवट हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा अच्छा ठीक है ना। ओके ओके बाय, गुड नाइट।